नमस्कार दोस्तों, मैं एके राज। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स का एक्सरसाइज 3, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में दो भाग हैं, पहला है मानव नेत्र और दूसरा रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव नेत्र क्या है। आप चित्र जो देख रहे हैं, ये मानव नेत्र का चित्र है। तो इस चित्र से आप पता चल रहा होगा कि मानव नेत्र की आकृति जो है लगभग गोलाकार है। तो मानव नेत्र क्या होता है? तो मानव नेत्र एक ज्ञान इंद्रिया है। मानव नेत्र क्या है? एक ज्ञान इंद्रिया है जिसे प्राकृत ने हमें इस रंग बिरंगे संसार को निहारने के लिए प्रदान किया है। एक बार फिर से देख लेंगे कि मानव नेत्र का आकृति लगभग गोलाकार होता है। यह एक ज्ञान इंद्रिया है जिसे प्राकृत ने हमें उपहार के रूप में दिया है। किस लिए? इस रंग बिरंगे संसार को निहारने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से भाग हैं। तो मानव नेत्र के प्रमुख भाग इस प्रकार है। पहला, दृढ़ पटल को स्क्लेरेट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो दृढ़ पटल क्या होता है? तो दृढ़ पटल मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग होते हैं। आप एक कलम कापी ले लें और जैसे जैसे हम बोलेंगे आप उसे नोट करते चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और आपका नोट भी तैयार हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे भी कि दृढ़ पटल यह मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग है जो कड़वे और सफेद होते हैं। क्या लिखा? कि दृढ़ पटल जो है ये मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग है, ये कड़वे और सफेद होते हैं। इससे आंखों की सुरक्षा भी होती है और इसकी आकृति भी प्रदान होता है। दूसरा चीज है, इसका दूसरा भाग है कॉर्निया। तो कॉर्निया में आप लोग लिखेंगे कि कॉर्निया जो होता है वो दृढ़ पटल के सामने का भाग होता है। जैसे यहाँ पे दृढ़ पटल देख रहे हैं, इसके सामने का भाग एक कॉर्निया है। इस चित्र में जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? कॉर्निया है। यह उभरी हुई रहता है, आप देख रहे हैं चित्र में भी उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। यानी कॉर्निया होता है जो दृढ़ पटल के सामने का एक भाग होता है जो उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होता है। कोई भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जब आंखों में जाता है तो कॉर्निया से होकर ही जाता है। जैसे यहां से देखो, इधर से अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो सबसे पहले कॉर्निया में जाएगा, कॉर्निया से ही होकर मानव नेत्र में प्रवेश करेगा। तो एक बात आप जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आंखों को डोनेट करता है तो आंख के कौन से भाग को डोनेट करता है? उस भाग का नाम है कॉर्निया। यानी कॉर्निया को ही मानव नेत्र के समय, मानव नेत्र में जब को हम डोनेट करते हैं तो वहां पे कॉर्निया को ही मानव नेत्र के भागों को डोनेट किया जाता है। और एक बात और देख लीजिए कि यह पारदर्शी झिल्ली है, इसी से होकर प्रकाश जाती है। जब इस पर्दे पे अगर किसी प्रकार की कमी आ जाती है, गर्दा धूल जो भी चीज बैठ जाते हैं, तो इसकी झिल्ली बंद हो जाते हैं। झिल्ली में जो छेद होती है वो छेद क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश अंदर नहीं आ पाता है और आता भी है तो धुंधला आता है, जिससे प्रतिबिंब किसी वस्तु का भी रेटिना पर साफ साफ नहीं बन पाता है। तो उस स्थिति में डॉक्टर्स इस झिल्ली को अदला बदली कर सकता है। यानी ये आंखों की एक ऐसी भाग है जिसको डोनेट किया जाता है। अब है अगला भाग है जिसका नाम है आयरिस, इसको परितारिका भी कहते हैं। अब परितारिका क्या होता है? तो ये कॉर्निया के पीछे का भाग है, यानी कॉर्निया के पिछला भाग है जिसको हम आयरिस कहते हैं। आयरिस प्रकाशों का सुग्राही होता है। और एक बात और हम आपको बता दें कि आयरिस जो है इसका मतलब आंखों के रंग से होता है। यानी आंखों में जो सारे रंग देखने की कैपेसिटी होती है वो आयरिस के कारण होता है। यानी आयरिस से ही, आयरिस के रंग का मतलब, आयरिस का मतलब ही होता है आंखों के रंग। यानी आंखों का रंग का जो मतलब है, कोई आंख से रंग को देखता है या नहीं देखता है, इसका मतलब, इसकी जो
कारण है वो आयरिश ही है। अब हम लोग देखेंगे पुतली। पुतली क्या होता है, जिसको हम नेत्र द्वार कहते हैं। तो पुतली जो होता है वो आयरिस के मध्य में एक छोटा सा भाग होता है, छिद्र होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं पुतली। पुतली में खास बात है कि पुतली का रंग काला होता है। पुतली के क्या होता है, रंग काला होता है। ये आयरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। और पुतली में खास बात क्या होता है कि पुतली का रंग काला होता है। अब पुतली का रंग काला क्यों होता है, क्योंकि पुतली से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। एक बात आप जान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वह वस्तु से प्रकाश पड़कर जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देता है, और जिस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है वह वस्तु हमें काला दिखाई देता है। तो इस पुतली जो है वहां से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, इसी कारण इसका रंग काला होता है। उसके बाद एक आता है नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस क्या होता है, यह एक मुलायम मांसपेशियां होती है जो उत्तल लेंस की तरह होता है, यानी उत्तल लेंस होता है। यानी नेत्र लेंस में आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इसी लेंस के द्वारा मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें इस लेंस में एक और खास बात है कि इस लेंस की फोकस दूरी को समय के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी दूर वाले वस्तु का प्रतिबिंब बना भी देता है और निकट वाले वस्तु का भी प्रतिबिंब बना देता है। यानी अपने फोकस दूरी को आगे पीछे करके इस नेत्र लेंस में क्या खासियत है, इस नेत्र लेंस जो है यानी उत्तल लेंस जो है, ये अपने फोकस दूरी को अदला बदली करके और दूर या नजदीक के वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अब है रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, तो रेटिना जो है ये नेत्र लेंस के सबसे अंदर की भाग है। रेटिना क्या है, यह नेत्र लेंस के सबसे अंदर का भाग है और सबसे महत्वपूर्ण भाग भी है। क्यों, क्योंकि रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है नेत्र लेंस के द्वारा, वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और वो प्रतिबिंब की प्राकृत क्या होती है, तो उस प्रतिबिंब का जो प्राकृत होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से काफी छोटा होता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे रेटिना है, पर्दा है, मतलब मान लो, तो यहां से किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस पर बनता है। और अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बन रहा है या आगे पीछे बन जा रहा है, तो समझ जाओ कि आंख जो है वो डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड विजन है। अब है कि मानव नेत्र जो होता है इसके अंदर एक नमकीन द्रव होता है, जिसको हम लोग कचाप द्रव भी कहते हैं, और इसके अंदर जो जुड़ा हुआ भाग रहता है उसके हम दृक् तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोग समझे कि मानव नेत्र क्या है और इसके कौन कौन से भाग। अब हम लोग देखेंगे समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता क्या होता है, ये आंखों का पावर होता है, यानी आंखों का समर्थ होता है, ये जिसके कारण दूर या निकट की वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना पर बना लेता है, जिस पावर के कारण, जिस क्षमता के कारण। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे कि समंजन क्षमता आंखों की वह क्षमता है जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपसे आप बदलता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह आंखों का वह सामर्थ्य है, यह शक्ति है, वह पावर है, जो अपने फोकस दूरी को अदला बदली करके, यानी आंखों का वह पावर है, वह सामर्थ्य है, जो फोकस दूरी को अदला बदली करके दूर या निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। वैसे पावर को, वैसे सामर्थ्य को हम समंजन क्षमता कहते हैं। एक समान आंख की जो समंजन क्षमता होती है, यानी एक अच्छे आंख की जो समंजन क्षमता होता है वो 4D होता है, यानी 4 डायोप्टर होता है। वृद्धावस्था में आंखों की समंजन क्षमता कम जाते हैं, जिसके कारण वृद्धावस्था में एक दोष भी उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों की समंजन क्षमता इतना कम जाता है जिसके कारण वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में असमर्थ हो जाता है, उसकी आंखें धुंधली या दुधिया हो जाता है। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उस व्यक्ति का मोतियाबिंद हो गया है, यानी मोतियाबिंद उसी स्थिति को कहेंगे जिस स्थिति में समंजन क्षमता अत्यंत कम हो जाए, यानी जिसके कारण कोई वस्तु
का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ न बना पाए, यानी पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित हो जाए, यानी कोई भी वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाता है, वैसे स्थिति को हम कहेंगे मोतियाबिंद। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि दृष्टि विस्तार क्या है। तो दृष्टि विस्तार में पहले आप एक लाइन लिख लेंगे कि यह एक ऐसा दृष्टि क्षेत्र है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें रखे वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं, इसके निकट की वस्तु को भी हम नहीं देख पाएंगे और इससे दूर के वस्तु को भी हम नहीं देखते हैं, वैसे क्षेत्र को हम दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई आंख है, तो इस क्षेत्र को हम दृष्टि क्षेत्र कहेंगे, जहां पर के रखे वस्तु को हम साफ साफ देख लेते हैं, और इस बिंदु को हम निकट बिंदु कहेंगे, इस बिंदु को क्या कहेंगे, निकट बिंदु, और इस बिंदु को हम बोलेंगे दूर बिंदु। तो निकट बिंदु होता कहां पर है, इसको स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है, मतलब ई दूरी जो है इसको स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कहा जाता है, और ई दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। यानी स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है कि वह दूरी, वैसा दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर रखी वस्तु, मतलब यहां से कम दूरी पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं। जैसे मान लो कि आप पेन को यहाँ पे देख रहे हैं और नजदीक लाएंगे तो आपको पेन दिखाई नहीं देगा, यानी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर लाएंगे तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे दूरी को स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो एक क्षेत्र हो गया दृष्टि विस्तार, यानी दृष्टि विस्तार कौन सा क्षेत्र है जहां पे रखे वस्तु को हम साफ साफ देख लेते हैं, और वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर रखे वस्तु को हम साफ साफ नहीं देखते हैं, उसको स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं, इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। यानी स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, जिससे कम रखे वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं, और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है, यानी मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, जो अनंत होता है, जिसके आगे, यानी इस बिंदु के आगे अगर कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब साफ साफ रेटिना पर नहीं बनता है। तो अब इस तरह से हम दृष्टि विस्तार का एक और परिभाषा लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, तो निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच के दूरी को हम दृष्टि विस्तार कहते हैं, क्योंकि इसी बीच के दूरी को हम में रखे वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भाग हैं, उसका क्या कारण है, क्या निवारण है, क्या उपचार है, इन सारे चीजों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।